लिए सब लोग अपने स्तर पे तो प्रयास कर ही रहे हैं, साफ सफाई और तमाम चीजें जो भी जिसको जैसा पता चल रहा है सब व्यवस्था कर ही रहे हैं। मेन सब जानते हैं कि भाई आर्सेनिक एल्बम करके एक दवाई आती है होम्योपैथी की, जिससे काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। पर डॉक्टर साहब आज उन्हीं दवाइयों के साथ अपने पास आए हैं, सबको दवाई वितरण भी करेंगे और साथ में बताएंगे दवाइयाँ कैसे लें ताकि अपन सब लोग सुरक्षित रह सके, अपने परिवार को सुरक्षित रह सके। आप सभी का धन्यवाद। जैसे कि आप लोग खुद ही समाज के जागरूक वर्ग से आते हैं और आप सभी इस कोरोना के मामले में लेके आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं, और इसके माध्यम से मैं बस एक ही निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि कोरोना के बारे में जागरूकता जरूरी है, लेकिन इसको लेके हम ऐसा काम ना करें कि किसी के बीच में इसकी दहशत पहुंचे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी हर व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान है इस कोरोना को लेकर, चाहे आप देश में मंदी की स्थिति में जाए चाहे किसी की स्थिति में भी है। तो होता क्या है कि जब मैं आपको एक छोटा सा होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा, बाकी कोरोना क्या है इसके क्या बचाव के वो सब आपको पता है, उसमें अपन समय व्यर्थ नहीं करते। देखिए, जब भी आपका शारीरिक शरीर प्रभावित होता है तो उसके पीछे का कारण आपको जानना बहुत जरूरी है। आप सर्वाइकल बीमारी का नाम सुने होंगे, आप सभी स्लिप डिस्क सुने होंगे। कभी व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता है, कभी व्यक्ति गिरता नहीं, कभी उसको चोट नहीं लगती, फिर भी उसको सर्वाइकल या स्लिप डिस्क की समस्या आती है। ठीक, जब उस व्यक्ति की आप हिस्ट्री लेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर मानसिक प्रेशर किसी प्रकार का रहेगा। ठीक, अब शरीर हम दो तरीका का मानते हैं, एक शारीरिक शरीर और एक मानसिक शरीर, जिसको दिमाग बोलते हैं, और एक शारीरिक शरीर। इसके पीछे का एक सूक्ष्म शरीर है जो हमारा होता है मन, जिसको हम अपनी होम्योपैथी की भाषा में बोलते हैं वाइटल फोर्स। ठीक, आज आप सभी बैठे हैं, अब इसमें से किसी एक व्यक्ति ने आपको गाली दे दी तो वो चोट आपके कहाँ लगेगी? मन में। उसके बाद घर जाके आप सोचेंगे कि मेरी बेइज्जती हो गई, कंटिन्यूअस दिमाग में वो चीज चलेगा। अब तीसरे दिन आपको सर दर्द शुरू होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस आप उसी थिंकिंग में चल रहे हैं। और जब वो सर दर्द आपका शुरू होगा, मैं यहाँ पर किसी पैथी की नहीं बोल रहा हूँ, ये मतलब एक आप कॉमन मेडिकल स्टोर कहीं भी जाओ, हम पेन किलर लेते हैं सबसे पहले, लेकिन उस सर दर्द का कारण आपने खत्म नहीं किया। तीन दिन चौथे दिन बाद फिर आप उस व्यक्ति को देखेंगे, फिर वही चीज आपको याद आएगा, फिर आपको सर दर्द होगा, फिर आप गोली खाओगे। उसी प्रकार मेरा आप सभी से यही निवेदन और एक बेसिक जागरूकता यह है कि किसी भी चीज की हम कुछ भी हमको तकलीफ होती है तो हम उसके पीछे को उसके कारण को समझें। इसीलिए आप देखेंगे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये बीमारी अनक्यूरेबल है। एक और होम्योपैथी में आई, इसकी शुरू होने के पीछे के आप कारण में जाइए, उस परिस्थिति को आप समथिंग उसको कराओगे तो हमारे यहाँ एक से डेढ़ साल दो साल के ट्रीटमेंट के अंतर्गत बीपी शुगर थायराइड जैसे बीमारी 100% क्योरेबल, क्योंकि मूल कारण को हमको पकड़ें। उसी प्रकार जब आप कोरोना में आएंगे, कोरोना का क्या है, सर्दी खांसी बुखार, ये कॉमन सिम्टम है। इससे पहले भी हमको कितने बार ये सब चीज हो चुका है, हमने इसका ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन अब क्या हो गया, कोरोना का नाम सुन के इतना दहशत है कि आपको डॉक्टर भी दवाई नहीं दे रहा जब तक वो जांच ना हो जाए। अब उस जांच के चक्कर में दो तीन दिन हमको वेट करना पड़ता है, हमारी तकलीफ और बढ़ती है। ठीक, और जनरली इसके फुली आदमी उससे खत्म हो रहा, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन, हो सकता है मैं कहीं थोड़ा गलत भी हूँ, लेकिन जो हम इसको मान रहे हैं ये एक्चुअल आपकी जो मौत हो रही है वो सांस फूलने से सफोकेशन से हो रही है, क्योंकि आप सांस नहीं पा रहे, और सांस आप कब नहीं लेंगे, जब आपका कफ ब्लॉकेज हो रहा है। जनरली हम भी यही करते हैं, नाक बहती है, बार बार पूछना अपने को अच्छा नहीं लगता, हम मेडिकल से गोली लेके खा लेते हैं। तो कंटिन्यूएशन में कोई चीज जब आप दबाते हैं तो वो अंदर जाके कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी बीमारी का रूप लेती है। तो मेरा आप सभी से बस यही निवेदन है कि कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो हड़बड़ी ना करें, उसको समझें। और ये जो दवाइयां हैं, इसको एक व्यक्ति को चार गोली सुबह, चार गोली दोपहर, चार गोली शाम, तीन दिन तक लेना है। और दवाई खाने के आधा घंटा पहले कुछ नहीं लेना, दवाई खाने के आधा घंटा बाद कुछ नहीं लेना, और इसी ढक्कन में निकाल के दवाई खाना। ये बड़ी काम की चीजें बताई है, सब अपन लोग फॉलो करें। सर, ये फायदा इसका क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाएगी कि क्या? ये बेसिक दवाई है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठीक, और इसको खाने के बाद कम से कम आपको एक महीने तक कोई घबराहट की बात जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमको प्रिकॉशनरी मेजर दिए गए वो हमको करना है। देखिये, नियम संयम कानून हर जगह है, रूटीन से आप लोग चलेंगे तो सब चीज सही होगी। और रूटीन कब फॉलो होगा, जब आप लोग का खान पीन की दिनचर्या सही होगी, जो आप लोग की अक्सर गड़बड़ होगी। तो मेरा निवेदन ही है कि उसको थोड़ा आप परफेक्ट करने की कोशिश करिए,
जितना भी बिजी शेड्यूल रहे दोपहर में 10-15 मिनट लंच के लिए जरूर निकालें। दिन में 3 बार लेनी भी 4-4 टेबलेट और लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद कुछ भी नहीं खाना है ना, ये ध्यान रहे। अपनी आदत शुरू करते हैं।